दीपा जी ने मुझे खुशखबरी दी कि तुम और बेला दोबारा शादी करना चाहते हो रीति रिवाज के साथ। हाँ दादी, मैं सारी दुनिया के सामने सारे रस्म और रिवाज के साथ बेला से शादी करूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी कैसे? आज रात को ही करते हैं धूमधाम से इन दोनों की शादी। शादी होगी तो सुहागरात भी होगी, यही तो मैं चाहती थी। माँ, मैं आपका बैग लगा देती। नहीं नहीं बेला, मेरा मतलब है तुम ये सब क्यों करोगी? तुम्हारी शादी हो रही है बेटा, तुम दुल्हन बनने वाली हो, जाओ जाके तैयार हो जाओ ना, जाओ। आपको पता है मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे रानव का प्यार इस तरीके से मिलेगा। पिछली बार जैसे हमारी शादी हुई थी आपको बहुत तकलीफ में ली ना, आपको इतना शर्मिंदा होना पड़ा, पर मैं खुश हूँ कि इस बार सब कुछ आपके आशीर्वाद से होगा। माँ, मेरा कन्यादान ना आप ही करना। मैं आती हूँ। हाँ बेला, तुम शादी तो कर रही हो, मैं कन्यादान भी करूंगी, लेकिन तुम सुहागन कितने दिन रहोगी क्या पता? अरे बाप रे, अपनी मौत का सामान साथ लेकर घूम रही हूं मैं। ये कंगन? रानव और बेला मुझे लेने आ गए तो मैं इसे बस्ती में रख ही नहीं पाई। राना, बहुत पाताले की नजर मुझ पर है, इस घर में ये कंगन नहीं रख सकती। आज रात को शादी में जब सब लोग बिजी होंगे ये कंगन मैं बस्ती में रखाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। शेखर और यामिनी नहीं दिखाई दे रहे? मैं भी तो यही कह रही हूँ, क्या जमाना आ गया है, अपने भतीजे के शादी पे नहीं आए। दरअसल बात ये है कि वो लोग अचानक छुट्टियाँ मनाने चले गए और ये शादी भी जो है ना वो अचानक में प्लान हुई, इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए। ओके, पर वो तो बोल रही थी, वो बहुत कुछ मुझे... बोल रही थी लेकिन अच्छी है ना मिठाइयाँ, आइए ना। बेला, कुछ मदद चाहिए? नहीं माँ, बस 5 मिनट। दीपा जी, सारे मेहमान आपको नीचे बुला रहे हैं, चलिए ना। अच्छा, मैं चलिए। आइए। किसी ने कहा था मुझसे सिर्फ प्यार ही है जो अंधेरे में भी रोशनी जगा देता है। जब मैं तुमसे मिला था तुमसे नफरत, गुस्सा, बदला, अंधेरा ही अंधेरा था मेरी जिंदगी में, रोशनी तो अब आई है। कहते हैं अगर दूल्हा दुल्हन को देखे शादी से पहले तो वह अशुभ होता है। शुभ नहीं होने दूंगा, कोई हमें काबू में नहीं करेगा, अब हम होंगे बेकाबू। आज हमें एक होने से मौत भी नहीं रोक सकती। आज मौत का नाम मत लो। ओफो।
दोनों तरफ लगी है आग। बस ये परी यूं ही हंसते हंसते अपना खून चूसने दे रानव को तो बात बन जाए। चलो और चलकर मेरा मंडप में इंतजार करो। सुनो, आज ना घूंघट लंबा मत रखना, कहीं दोबारा मेरी दुल्हन बदल ना जाए। और सुनो, ज्यादा लेट मत करना, मन तो कर रहा है अभी यहीं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूं। और अरे हाय बेला, चलो मंडप पे तुम्हें बुला रहे हैं। चले माँ, तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है, यही मौका है यहाँ से भागने का। में जरूर वो नकाबपोश आया है। हाँ दारू, बोलो। मैंने अभी अभी किसी को बस्ती के घर में घुसते हुए देखा है। तुमने उसका चेहरा देखा? वो इतनी तेजी से अंदर भाग गया कि मैं उसकी शक्ल देख ही नहीं पाया। तुम कहाँ हो राणा? जल्दी आ जाओ। हमारे जंगल में फंसा है, आज उसे नहीं पकड़ा तो पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले। उसे पकड़ लिया तो फिर बेला और उसकी मां सेफ होंगी और सारी प्रॉब्लम्स खत्म। पर ऐसे मंडप छोड़ के कैसे जाऊं? बेला क्या सोचेगी? बेला, मुझे कहीं जाना है, जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। रानव अचानक कहाँ गया? क्या मैं भी जाऊँ? नहीं, रानव ने कहा था इंतजार करना। आई जस्ट होप कि रानव के साथ कुछ गलत ना हो। इसका दूसरा कंगन जिसके पास भी होगा वही होगा अश्वत्थ का कातिल। तो इसके पास में है वो दूसरा कंगन। मेरा शक सही था, नकाबपोश और अश्वत्थ का कातिल एक ही है। तेरी दहशत खत्म।
आज तू खत्म। देख तेरी मौत आ गई। क्या तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ? बताओ। ये आप क्या बोल रही हैं? ये क्यों कुछ बेला के साथ में करेंगी? ये बेला की मां है। आप परी है, वो परी जिसने जिसने मेरे भाई अश्वत को मारा है, वो है परी है। आज तुम मुझसे बच के कहां जाओगी परी? आज मैं अपने भाई को इंसाफ दूंगा, ऐसी सजा दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी रोखा उठेगी। भाई अश्वत को क्यों मारा? उसका क्या कसूर था? हाँ वो एक राक्षस था, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करना चाहता था और ना ही किया, तो फिर क्यों मारा उसे? असी अस्त्र के लिए, शक्तियों के लिए। तुम्हारे भाई के पास असी अस्त्र था तो मैंने दोस्ती की तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे बाबा के साथ। उनको एहसास दिलाया, बताया उन्हें कि एक बेचारी परी जो पापी परी है प्रायश्चित करना चाहती है, परीलोक वापस जाना चाहती है। विश्वास दिलाया और उन्हें इतना यकीन दिलाया कि उन्हें यकीन हुआ कि उस रात जब तुम्हारे भाई ने मुझे हवेली में देखा वो मुझ पर यकीन कर बैठा। शक नहीं किया उसने मुझ पर। आप? सही कहा रानव तुमने, तुम्हारा भाई इतना सीधा, इतना अच्छा, कर लिया भरोसा मुझ पर वो मुझे असी अस्त्र तो नहीं देता ना तो वो मुझे उसकी शक्तियां इस्तेमाल करने देता और ना ही
तेरी मदद करता। तो क्या करता अश्वत्थ, क्या करता असी अस्त्र से? असी अस्त्र से अश्वत्थ इंसानों पर उपकार करता, राक्षसों का उद्धार करता, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मुझे मत, वरना मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। कैसे से दोस्ती भी नहीं थी तुम्हारी? छी, तुम तो अपनी बेटी की भी सगी नहीं हुई जिसे तुमने अपने कोख से जन्म दिया। पाल पोस के पड़ा किया वो बेटी जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने, उस पे वार किया तुमने। हाँ हाँ, मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया, क्योंकि जन्म देते ही मुझे ये पता चल गया था कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी मेरे घर आई है। तो मैंने राजपरी को जन्म दिया है। मैंने उसी दिन पहचान लिया था कि वो राजपरी है, रानी परी का वरदान कि मेरी कोख से मैं एक शाप परी को जन्म दूंगी। नहीं चाहिए वो वरदान, नहीं करना मुझे प्राश्चित। नफरत है मुझे उसकी मां से। परी लोक से धरती पर फेंक दिया। इतने वर्षों तक मैं धरती पर रही, क्या किया, कैसे रही, कितना कुछ झेला मैंने, कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते रानव। मुझे पता था मेरा पति नालायक है, पर मुझे मेरे दुश्मनों से बचना था, तो मैं चाहती थी कि कोई ऐसा तो हो जिसे मैं अपने काबू में कर पाऊं, जो सिर्फ मेरी सुने। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम हैं। अरे हम बात सुलझा देंगे, सारी बातें सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूं। सुनिए, बंद कीजिए ये पीना पिलाना। मुझे रोकेगी तू? हाँ बेला, आगे से कभी मत रोकना। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है ना, तुम्हीं ने उसे जन्म दिया है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। इसीलिए बेला के सामने जब वो छोटी थी ना, तब से मैं डरी सहमी, मुझे बचा लो, सब कुछ ऐसे ही रखा जैसे अबला नारी बेचारी मेरी माँ कोई नहीं है उसे देखने के लिए, कौन उसकी रक्षा करेगा। बेला मेरी ढाल बनेगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि बेला मेरी रक्षा करे। रानव, मेरे और तुम्हारे बीच में तो कोई झगड़ा है ही नहीं। हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, क्योंकि तुम उस परी को ढूंढ रहे थे जिसने तुम्हारे भाई अश्वत्थ को मारा था। अगर मेरा पर्दाफाश हो जाता तो तुम मुझे मार देते। चलो छोड़ो ये सब, जाने दो, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं रिश्ते तुम्हारे लिए मकसद के रास्ते होंगे, मेरे लिए नहीं। मैं अपने रिश्तों के लिए मर भी सकता हूं और किसी को मार भी सकता हूं। तुमने मेरे भाई की जान ली, बेला को मारने की कोशिश की,
अब मैं तुम्हें मारूंगा। देखो रानव, मैंने जो कुछ भी किया है वो किसी के कहने पर किया है। झूठ बोलकर क्या फायदा मिलेगा मुझे रानव? मुझे मारकर कुछ नहीं होने वाला। जो गुनहगार है वो तो बाहर है। कौन है वो? वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा रानव, लेकिन इस वक्त मुझे कहीं जाना है। अरे शादी है मेरी बेटी की, तो मैंने वादा किया है कि कन्यादान मैं अपने अपने इन हाथों से करूंगी, आशीर्वाद दूंगी उसे, मौत का आशीर्वाद। हाँ रानव, मैं जानती हूँ आज रात के बाद तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मार दोगे तुम मुझे, लेकिन मैं राजपरी को मारे बिना नहीं मर सकती। अगर मैं मर गई तो बहुत पछतावा होगा मुझे कि मैं उसकी मां से बदला नहीं ले पाई। अब मैं उसके सारे सपने तोड़ दूंगी, राजपरी देवलेखा परी लोग नहीं पहुंचेगी। अगर मैं खुश नहीं हूं तो वो भी खुश नहीं रहेगी। कन्यादान मैं अपने अपने इन हाथों से करूंगी, आशीर्वाद दूंगी उसे, मौत का आशीर्वाद। बेला, ये रानव कहाँ चला गया और फोन भी नहीं लग रहा है। अब ये रानव आज इस परी के साथ उसकी सुहागरात थी। इस परी के खून से सारी शक्तियां हमें मिल जाती, लेकिन लेकिन अब ये लड़का गायब है। रानव बस अभी आ ही जाएगा, आइए ना आप लोग आके बैठिए। एक बार फिर हम पूरी रीति रिवाज के साथ में शादी करें, और इसीलिए मैं आपसे बेला का हाथ मांगना चाहता हूं। पर मैं बेला से प्यार करता हूं। रानव, हमारे बीच कितना कुछ हो गया, अब जाके खुशियां हम एक होने ही वाले थे, पर तुम कहां चले गए? ये मौसम, मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है?
कहीं कुछ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। बेला, बेला। ये किसने आवाज दी? बेला, बेला। ये तो माँ की आवाज है। ये माँ को क्या हुआ? माँ, बेला, आप बता नहीं रानव कहाँ चला गया, और आप यहाँ क्यों खड़े हो? क्या हुआ है? अब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, रानव भी जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ बेला, मेरे पास आओ, तुम पराई हो जाओ, इससे पहले एक आखिरी बार अपनी माँ के गले लग जाओ। आजा बेटा। हाँ तो वो तुम्हें मार देते। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती। गलत किया जो तुम जैसे राक्षस पे भरोसा किया। नहीं बेला, तुम्हारी माँ एक परी है। ये वही परी है जिसने मेरे भाई अशोक को मारा। अरे चुप रहो, झूठ बोल रहे हो तुम। किसने बोला तुमसे ये? हाँ, किसने बोला? पाताली ने बोला तुमसे ये? पाताली ने पहले कहा कि तुम्हारे भाई अश्वथ को एक परी ने मारा है, अब वो परी मेरी माँ है। अरे वो औरत जो जिंदगी भर चार दीवारी में रही, अपने पति, अपने बच्ची और एक सपने के साथ कि हम सब खुश रहें, वो औरत खातिर तुम्हारी माँ ने कहा और तुमने मान लिया? हाँ नहीं नहीं बेला। हाँ रानव, हाँ। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ पूछे तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तुमने बदला ले लिया मुझसे। तुम जानवर हो, जानवर। राक्षस और हो भी क्या सकते हैं,
मुझे दर्द देना चाहते थे ना। हाँ, तुम मुझे दर्द देना चाहते थे और मेरी मेरी माँ की मौत से बड़ा दर्द क्या देते मुझे? क्या बदला लिया है तुमने रानव, क्या बदला लिया है तुमने मुझसे? नहीं बेला, तुम गलत सोच रही हो। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है रानव, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज जन्मों जन्मों का ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी मैं। ये रानव चला गया और अब ये बेला भी नहीं है। अरे हाँ, अब ये लड़की कहाँ गायब हो गई? दरवाजा खुला है। ये तो बेला का कहना है, इसका मतलब है वो गार्डन की तरफ गई है, लेकिन इस वक्त वो वहां गई क्यों? आज खत्म कर दूंगी मैं तुम्हें। क्या विश्वास दिलाया तुमने मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे खाक प्यार करते हो तुम मुझसे, पहले से भी ज्यादा तोड़ दिया तुमने मुझे। अब ये बदला खत्म हो या ना हो राक्षस, आज मैं फिर तुम्हें खत्म कर दूंगी और फिर खुद खत्म हो जाऊंगी। मेरा रोम रोम मेरे लहू का हर एक कतरा तुम्हें श्राप देता है कि जिसके गुरूर को तुमने मारा तुम उसी के हाथों मरोगे। सोचा था मैं इस सदियों की नफरत को मिटा दूंगा, कुदरत का लेखा बदल दूंगा, एक परी और एक राक्षस की प्रेम कहानी लिखूंगा, ऐसी प्रेम कहानी जिसे मौत भी ना कर पाए काबू, जो हुए सिर्फ मोहब्बत में बेकाबू। पर नहीं, कुदरत हमें मिलने नहीं देगी और ये कायनात हमें अलग नहीं होने देगी। अब तुम्हारे दिल में, तुम्हारी इन आंखों में वो पहले वाली मोहब्बत नहीं रहेगी। देख ली तुम्हारी नफरतें, अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर आज तुम मुझे मार के मर गई तो ये जन्मों जन्मों का किस्सा फिर शुरू होगा। हम फिर जन्म लेंगे, फिर वही दुश्मनी, वही नफरत, वही गुस्सा। नहीं, बस बहुत हो गया, अब और नहीं देखना। आज मैं इस किस्से को, इस जन्मों जन्मों के किस्से को यही खत्म कर दूंगा। हर पल मुझे बेकाबू करती हो,
अब नहीं होगा बेकाबू। मैं प्रथम, सबसे प्रथम, जो कभी किसी को नहीं मारता, जो कभी किसी से नहीं हारता। ये कुदरत, ये कायनात, ये किस्मत, ये शह और ये मौत, कोई मुझे नहीं मार सकता। मैं वो सिलसिला हूं जिसे कोई आग ना जला सके। मैं वो दिल जला हूं जिसे कोई नफरत ना मिटा सके। आज पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना शिद्दत से साजिश कर ले, मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई दिशा, कोई दशा, कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता मुझे। ये क्या? अरे रानव,